दोस्तों, क्या आप ब्रह्मास्त्र फिल्म देखने जा रहे हैं? लेकिन उसके पहले आप ब्रह्मास्त्र फिल्म के कुछ ऐसे फैक्ट्स देख लीजिए जिसे हम सभी सनातनियों को जरूर देखना चाहिए। आज के समय में बॉलीवुड को हमारे सनातन धर्म के भगवान शिव जी और हमारे जो परम पूज्य भगवान हैं उनका अपमान करने का लाइसेंस मिल गया हो, कभी पीके जैसे फिल्म में तो कभी ब्रह्मास्त्र में। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र फिल्म में इस फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर ने ऐसी क्या गलतियां की हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें ब्रह्मास्त्र फिल्म के मुख्य अभिनेता की तो वो रणवीर कपूर हैं। इनको गौमांस खाना बहुत पसंद है और ये अक्सर गौमांस खाते रहते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में गाय को हमारी माता का दर्जा दिया गया है और ऐसे ही लोगों की वजह से हमारे भारत में गायों की हत्या की जाती है। और इस फिल्म में अभिनेता रणवीर कपूर को भगवान शिव का अवतार दिखाया गया है जिसमें इनको भगवान शिव के जैसे ही हाथ में त्रिशूल लिया हुआ दिखाया गया है। दोस्तों, अब आप ही बताइए कि क्या किसी ऐसे इंसान को भगवान शिव का अवतार दिखाना सही है? क्या ये हमारे भगवान महादेव का अपमान नहीं है? चलिए, ये तो बात हो गई फिल्म के अभिनेता की। अब अगर हम बात करें ब्रह्मास्त्र फिल्म की, जिसको करण जौहर जैसे लोगों ने प्रोड्यूस किया हुआ है और इसमें बड़े बड़े डायरेक्टर ने काम किया है। अगर आप इस फिल्म का ट्रेलर देखेंगे तो इसमें रणवीर कपूर जूते पहनकर मंदिर में जाते हुए दिखाई देंगे। ये फिल्में दुनिया भर में लोग देखते हैं और अगर इस तरह हमारे भगवान का अपमान दुनिया के सामने दिखाया जाएगा तो हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता की तो धज्जियां उड़ जाएंगी। विदेशी लोग भी आते हैं तो भारत के मंदिरों में बाहर चप्पल जूते उतार कर जाते हैं, लेकिन हमारे भारत के रहने वाले लोग ही इस सभ्यता का मजाक उड़ाते हैं। दोस्तों, अब ये आपका निर्णय है कि आपको ब्रह्मास्त्र फिल्म देखने जाना है या नहीं। लेकिन अगर आज सभी सनातनी अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे तो ये एक मजाक बनकर रह जाएगा। जितने भी सच्चे सनातनी हैं ब्रह्मास्त्र फिल्म का बायकॉट कर रहे हैं, और आपका इस तथ्य के बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को आग की तरफ फैला दें ताकि सभी सनातनी एक हो जाएं। जय हिंद दोस्तों, हर हर महादेव।